हेलो फ्रेंड्स, सखी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिना इनो के ढोकला बनाना सिखाऊंगी। बिना इनो के आप ढोकला, सुपर सॉफ्ट ढोकला कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैं क्या क्या चाहिएगा, ये मैंने इसमें इस वाली कटोरी से नाप के 1.5 कटोरी बेसन लिया है। ये 1/4 चम्मच मैंने खाना सोडा लिया है। ये मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया है और 1/4 चम्मच सिट्रिक एसिड, जिसे सांट्री भी बोलते हैं, वो लिया है मैंने। इसमें हरी मिर्च, करी पत्ता और राई है तड़का लगाने के लिए। और ये मैंने 2 चम्मच सूजी ली है। तो आइए सब सामग्रियों को मिक्स करते हैं। बेसन में डाल लेंगे सूजी, डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, अब डालेंगे इसमें हम सिट्रिक एसिड। देखिए आपको इतना डालना है, ये जो हमारी 1 चम्मच है इसका हमें 1/4 चम्मच डालना है सिट्रिक एसिड पीस के। ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर को घोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये हमारा, मैं दिखाती हूँ आपको, अभी गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी और पड़ेगा। इस ढोकले को बनाने में ना तो हमने नींबू का यूज किया है ना दही का यूज किया है, उसके बिना भी ये ढोकला बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये ढोकले का पैटर्न हमें ऐसा रखना है। स्टीमर को मैंने गर्म होने रख दिया था, इसकी ट्रे को ऑयल लगाते हैं। अच्छी तरह से चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे इसे, इसके किनारों को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने स्टीमर को बिल्कुल गर्म होने रख दिया था, उसमें देखिए कितनी भाप निकल रही है। इस स्टेज पर अब हम इसमें जो खाने वाला सोडा है अब ऐड करेंगे, बिल्कुल जब हमारा बिल्कुल स्टीमर तैयार है। अगर आप पहले से खाने सोडे को इसमें डाल के तैयार कर लेंगे तो इसकी जो अभिक्रिया होती है वो बंद हो जाएगी और फिर ढोकला हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा। अब इसमें हम ये खाना सोडा डालते हैं, 1/4 चम्मच खाना सोडा लिया था मैंने। देखिए फ्रेंड्स, ये खाना सोडा डालने की वजह से इसमें कितने झाग उठने लगे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा टैप कर देंगे और ये हम अपने स्टीमर में लगाएंगे। स्टीमर का ढक्कन ढक देंगे और इसे हमें आंच मैंने खुली कर दी है और इसको 10 मिनट तक हमें पकाना है। 10 मिनट बाद इसे खोल कर देखेंगे। आइए जब तक हम इसका पानी तैयार कर लेते हैं ढोकले में डालने के लिए।
एक पैन रखते हैं, पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, एक चम्मच के करीब ऑयल डाला है मैंने। अब इसमें मेरे पास ये राई, करी पत्ता और दो हरी मिर्च है, इनको मैं इसमें तड़का लूंगी। राई जब तड़कने लगेगी तब इसमें हम पानी डालेंगे। ये फ्रेंड्स राई मेरी तड़कने लगी है, अब इसमें मैं एक ग्लास पानी डाल दूंगी। ये इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, आप इसकी जगह नींबू का यूज भी कर सकते हैं। और डालूंगी मैं इसमें चीनी, ये मेरे दो ढाई ढाई चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी है, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। चीनी को इसमें अच्छी तरह से गला लेंगे। ये फ्रेंड्स मेरा पानी उबल चुका है, गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, स्टीमर का ढक्कन उठाकर मैं देखती हूँ पका है कि नहीं, एक नाइफ डालकर देखते हैं। ये नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन आ रहा है, ढोकला हमारा पक चुका है, फ्लेम को ऑफ करते हैं। और इसको निकाल लेते हैं। ये फ्रेंड्स इसके एज इसको चाकू की सहायता से थोड़ा अलग कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल आराम से उठ रहा है, इसके इसको पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है, इसमें पूरी जाली पड़ गई है, अभी जब ये पानी पिएगा तो काफी ऊंचा हो जाएगा। अभी हमने जो पानी बनाया था इसका तड़के का, इसको मैंने ठंडा कर लिया था, और आइए इसे ढोकले के ऊपर डालते हैं। जैसे जैसे पानी पीता जाएगा इसमें पानी डाल देंगे हम ज्यादा सा, तो ये हमारा फूल के काफी ऊंचा हो जाएगा। अभी ये एक एक हरी मिर्च लगा देंगे इस पे। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा ढोकला बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छा मुलायम बना है। जैसे जैसे पानी ये पिएगा काफी ऊंचा हो जाएगा, ये साइज में डबल हो जाता है ये। फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।